Good morning, everyone. I welcome you all to Unacademy Studio Rise, which is again India's largest channel for UPSC preparation. तो इस session के अंदर हम 6th और 7th October के जो important topics हैं द हिंदू में जो आए हैं उनको discuss करेंगे. अगर आप Sunday की बात करें तो Sunday को in general science and technology से related बहुत important topics आते हैं, तो उनको भी हम discuss करेंगे. Plus आज के कुछ important जो topics हैं उनको भी हम discuss करेंगे. तो जो टॉपिक्स हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे मोनोलेक के बारे में. तो इन जनरल प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि व्हाट इज मोनोलेक, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फोटो कैटलिस्ट क्या होता है दैट आल्सो वी विल डिस्कस. और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है इस रिसर्च से रिलेटेड, ये कल के पेपर में आपका था. उसके बाद बैम्बू और टेक्टोनिक प्लेट्स का लिंकेज. अगर देखो आज के समय में अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे ओशन करेंट्स हैं या फिर वाटर मासेस हैं, तो ये किस तरीके से मैराइन लाइफ को अफेक्ट करती हैं. इसी तरीके से अगर क्या टेक्टोनिक प्लेट्स या आप कह सकते हैं जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनके मूवमेंट की वजह से भी जो डाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होती है कि नहीं होती है, ऐसे कुछ लिंकेज इस्टेब्लिश किया जा सकता है. तो एक रिसर्च है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. कभी कोई क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है तो आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं. जीन एडिटिंग के बारे में वी विल डिस्कस. सिकल सेल एनीमिया, देन विल डिस्कस इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन का जो है गुरुग्राम में जो लोकेटेड है. उसके बाद सेडिशन और एग्रीकल्चर, ये इन दोनों पे एडिटोरियल आ जाया है. तो ये सारे टॉपिक्स हैं और अगर ये देखें तो इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, यहाँ भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और जीएस 3 में और जीएस 2 दोनों में ये पूछा जा सकता है. जीन एडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जीएस पेपर 3 साइंस के सेक्शन में पूछा जा सकता है. यहाँ पे अगर आप देखो तो सिकल सेल एनीमिया प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और जीएस 3 के अंदर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. यहाँ पे ये इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों एस्पेक्ट पे फ्रेम हो सकता है जीएस 2 और जीएस 3 के अंदर. और सेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पॉलिटी सेक्शन में पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 के अंदर और एग्रीकल्चर में जीएस पेपर 3 के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका सेपरेट मॉड्यूल दे रखा है. तो ये यहाँ पे सारे हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आवर प्लस प्लेटफॉर्म. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. जैसे आप ये लिस्ट अगर आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स भी आपको करना है, पॉलिटी भी करनी है, ऑप्शनल भी करना है, एनसीईआरटी भी करना है, ऐसे पेपर भी करना है और तो बहुत सारी चीज़ें करने हैं. तो प्लस प्लेटफॉर्म अनएकेडमी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर्स के द्वारा लाइव पढ़ाया जाता है और आप इस प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो यूपीएससी की प्रिपरेशन उसको अच्छा कर सकते हैं. यहाँ पे मेरे द्वारा भी एक कोर्स रन किया जा रहा है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और 11 AM को डेली बेसिस पे इसकी क्लास होती है. डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर्स जिसमें 2 ईयर्स का करंट अफेयर कवर किया जा रहा है, ये क्लासेस है आपकी चलेंगी April 30th, 2020 तक. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन करो. और इसमें द हिंदू के अलावा भी बहुत सारे आस्पेक्ट है, चाहे डाउन टू अर्थ मैगजीन है, PIB है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, ज्योग्राफी फॉर यू है, इंटरनेशनल जर्नल्स है, ये सारी चीज़ें इस पर कवर होंगी और क्लास में भी नोट्स प्रिपेयर किया जाता है. तो ऑलरेडी हमने 150 प्लस टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और अप्रैल 30th तक मोर देन 1500 to 1600 टॉपिक्स हम कवर करेंगे. मतलब वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा इशूज़ आते हैं. तो ऑलरेडी इन 25 to 30 क्लासेस में हमने ऑलरेडी मोर देन 150 प्लस टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. तो उसे स्टूडेंट्स के जो क्लास नोट्स भी उसमें पैरेलली प्रिपेयर कराया जाता है. तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के लिए आप प्लस प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं और जो लिंक है कोर्स का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के लिए ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है, SP. ये जो रेफरल कोड है, दैट रेफरल कोड हैज़ टू बी यूज्ड. जैसे ही आप रेफरल कोड SP प्रेस करेंगे, अप्लाई प्रेस करेंगे, द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. तो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे आप मेरे कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में जितने भी कोर्सेज जब हमने स्टार्टिंग में देखे सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं. जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और SP रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं. और जैसे ही वो SP रेफरल कोड को यूज़ करते हैं, द अमाउंट विल रिड्यूस अगेन बाय 10%. यहाँ पे अगेन आप मेरे सारे कोर्सेज कर सकते हैं, साथ में सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, चाहे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का है या फिर ऑप्शनल है, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. पहला आपका ये आपका एक छोटा सा न्यूज से आया है, तो यहाँ रिजिलियंट नेमाटोड के बारे में आया. तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, AUONEMA. तो ये एक बेसिक नेमाटोड है, और अवोनीमा, ठीक है, अवोनीमा जो है ये नेमाटोड्स है. तो यहाँ पे अगर आप देखें मोनोलेक,
तो मोनो लेक एक सलाइन लेक है जो कि कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, यूएसए में लोकेटेड है, कैलिफोर्निया में लोकेटेड है, मतलब अगर आप हायरार्की देखते हैं। तो मोनो लेक क्या है? सलाइन है, मतलब सॉल्ट कंटेंट इस पे बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ये जो वाटर है, वाटर का कोई आउटलेट नहीं है या कोई फ्रेश वाटर इस पे एंटर नहीं करता है, इस वजह से ये लेक हाईली सलाइन है। ठीक है, और इस वजह से ये कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है कि कोई सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वाटर काफ़ी सलाइन है। तो ये एक नेमाटोड आइडेंटिफाई किया गया है जो कि कहा जा रहा है कि वो इस लेक में सर्वाइव कर रहा है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एक टूफा टावर बहुत न्यूज़ में रहता है, टूफा टावर ऐसे है। तो टूफा टावर क्या है? ऐसा कोई घूमने की जगह नहीं है ये। टूफा टावर बेसिकली इसी लेक के अंदर लाइमस्टोन के, आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, जिसे हम टूफा टावर कहते हैं। तो जैसे अगर ये लेक है तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं लाइमस्टोन के, तो उसको हम टूफा टावर कहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट नेमाटोड, जैसे कि ये अवो नीमा जो है आपका नेमाटोड है, तो ये इसे हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं। और ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं, बहुत छोटे, मतलब आप कह सकते हैं बहुत माइक्रोस्कोपिक इनकी साइज़ होती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, IISER पुणे टीम सिंथेसाइजेस फोटो कैटलिस्ट टू डिग्रेड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे अगर IISER जो कि पुणे में लोकेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, उसने हाईली अनस्टेबल पेयर ऑफ स्काइट जो है, पेयर ऑफ स्काइट है इसको, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, इसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको यूज़ किया है एज अ बायो कैटलिस्ट। और ये जो फोटो कैटलिस्ट, और ये जो फोटो कैटलिस्ट है, ये फोटो कैटलिस्ट बेसिकली जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसको आप कह सकते हैं डिग्रेड करेगा। तो यहाँ पे कुछ समझना है। पहला जो पॉइंट ये समझना है कि पेरोस्काइट क्या है। पेरोस्काइट कोई भी मटेरियल जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है एज कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड CaTiO3, और इसी को हम पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और ये इन जनरल हम कहते हैं कि ये पेरोवस्काइट है। तो यहाँ पे अगर आप फोटो कैटलिस्ट की बात करो, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें सूरज की रोशनी अगर पड़ती, जैसे TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड जो एक्ट कर रहा है एज अ फोटो कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट शब्द का क्या मतलब होता है? कैटलिस्ट इन जनरल अगर आप देखते हैं तो कोई भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा, है ना। रिएक्शन में मतलब जो कंपोनेंट है वो उसका पार्ट नहीं बन पाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका पार्ट वो नहीं बनेगा, लेकिन उस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ऐसे कैटलिस्ट जो कि लाइट के द्वारा एक्टिवेट होते हैं उसको हम फोटो कैटलिस्ट बोलते हैं, जैसे TiO2 है। तो यहाँ पे ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर, ऑक्सीजन है, इसके साथ जैसे ये लाइट पड़ती है तो TiO2 जो फोटो कैटलिस्ट है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, और फिर CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो इन जनरल अगर आप देखें तो फोटो कैटलिस्ट इसे कहते हैं। तो अभी जो ये रिसर्च हुई है वो रिसर्च क्या हाईलाइट कर रही है कि इस ये पेरोवस्काइट नाम का एक अनस्टेबल मटेरियल है, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ फोटो कैटलिस्ट। मतलब जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ फोटो कैटलिस्ट, और ये हेल्प कर सकता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसको आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि कम हार्मफुल है। तो जैसे अगर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आपके यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, और इस वजह से क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉइल के अंदर या दूसरी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ होगा, इससे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी दोनों पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को कम किया जाए, क्योंकि यही पॉल्यूटेंट्स धीरे धीरे किसी न किसी वाटर बॉडी में एंटर करेंगे। अगर एक बार वाटर बॉडी में एंटर करते हैं तो आसपास के नेचुरल सिस्टम को, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम को अफेक्ट करेंगे, और धीरे धीरे अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उस वो भी काफ़ी उससे अफेक्ट होगी, और उससे भी काफ़ी सारा आपके हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कई सारी चीज़ें हैं, आपने पढ़ा भी होगा, व्हाट वी कॉल इट एज अ बायो मैग्निफिकेशन और व्हाट वी कॉल इट एज अ बायो एक्यूमुलेशन। जैसे जैसे आप फूड चेन को देखते हैं तो फूड चेन, जैसे कई बार कन्फ्यूजन रहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो अलग अलग आपके ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं,
फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, अलग अलग आपके ट्रॉफिक लेवल होते हैं फूड चेन के अंदर। तो जैसे ही, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी कंपोनेंट, जैसे ऑर्गेनिक कोई पॉल्यूटेंट्स हैं, वो एक लेवल पर इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो इसको हम बायो एक्यूमुलेशन करेंगे। और धीरे धीरे जब T1 से T2, T2 से T3 और यहाँ पर फर्दर अमाउंट इंक्रीज होता चला जा रहा है, जैसे जैसे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसको हम बायो मैग्निफिकेशन करेंगे कहेंगे। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मैग्निफिकेशन का मतलब अमाउंट आपका बढ़ रहा है, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब वो एक्यूमुलेट हो रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा बेसिक चीज आपको समझना है। तो ये स्टडी पेरोस्काइट्स क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। इंडिया इज होम टू एशियाज ओल्डेस्ट बैम्बू। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि इन जनरल दो फॉसिल्स मिले हैं जो बैम्बू के, जैसे ये आपका पेड़ है जिसे हम बैम्बू कहते हैं, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ भी जो बैम्बू मिला है, तो उसमें मतलब मैकुम कोलफील्ड इन आसाम, यहाँ पे ये बैम्बू मिला है। और ये जो फॉसिल मिला है, ये कहा जा रहा है कि जो बैम्बू है उसका एज लगभग 25 मिलियन ईयर्स पहले। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि एशिया में जो ओल्डेस्ट, सबसे पहले जो बैम्बू आए हैं वो इंडिया में आए हैं, उसके बाद फिर दूसरी जगहों पे ये गए हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इसमें हाईलाइट की गई हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद द रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर सबसे ओल्डेस्ट को देखते हैं वर्ल्ड में, अगर सबसे ओल्डेस्ट बैम्बू को देखते हैं, तो वो 50 मिलियन ईयर्स एगो है, और जो कि यूरोप है। तो यहाँ पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो इसमें हाईलाइट किया गया है कि ये पूरा जो रीजन है ये आपका यूरोप है, यहाँ पे बेसिकली 50 मिलियन ईयर एगो बैम्बू आए थे, ठीक है। और अगर आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि पहले के समय में अगर आप देखते हैं, इन जनरल अगर आप देखते हैं, तो एक प्रकार से सारे जो कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे जो प्लेट्स हैं इनका मूवमेंट हुआ था, उसके बाद दूसरे जितने भी टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले के समय में ये दोनों प्लेट्स भी आपस में जुड़ी हुई थी, आसपास थी, और जब ये प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि अगर जुड़ी हुई थी तो हो सकता था यहाँ से बैम्बू की स्पीसीज़ जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेट करके जाना चाहिए था। लेकिन एक टर्म यूज़ हुआ है जिसे हम कहते हैं स्यूचर या स्यूचरिंग जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दो प्लेट्स अगर मिल रही हैं इस तरीके से, तो इसके मिलने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं कि वो मतलब भले दो प्लेट आपस में हैं, है ना, लेकिन ये जो स्यूचरिंग है इस पर थोड़ा सा समय लगता है। और ये क्योंकि ये समय लग रहा था, तो एकदम से जो ये बैम्बू है वो आपके इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जो माइग्रेशन जो है बैम्बू स्पीसीज़ का वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुआ तुरंत। इसलिए यूरोपियन रीजन में 15 मिलियन ईयर एगो हो गया था, हमारे यहाँ 25 मिलियन ईयर एगो है। तो ये जो गैप इतने समय का है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये एक तो जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स भले मिले बट स्विचरिंग में काफ़ी समय लगा जिसे वो प्लेट प्रॉपर तरीके से आपकी मिल पाएँ और फिर स्पीसीज़ का माइग्रेशन हो पाए, एक स्पीसीज़ यहाँ से उधर मूव कर पाए। दूसरा क्या कहा गया कि इस समय जब ये प्लेट्स थी तब हिमालय का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था। तो हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ था इस वजह से जो टाइप ऑफ क्लाइमेट था उस समय वो फिजिबल नहीं था कि बैम्बू इंडिया में ग्रो कर सके, उस कॉन्टिनेंट में ग्रो कर सके। फिर एक बार हिमालय का फॉर्मेशन भी हुआ और हिमालय का फॉर्मेशन होने के बाद जो क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया में रही उस वजह से फिर आपका बैम्बू का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पॉइंट्स भी आप, ऐसा नहीं कि कोई आपको पूछेगा कि है ना इन जनरल कि आप कैसे बैम्बू इंडिया में आए, ऐसा कोई क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं फ्रेम होगा, बट कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से उसको लिंक किया जा सकता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेट टेक्टोनिक है ना प्लेट टेक्टोनिक है जिसके तहत हम ये कहते हैं कि पूरा जो अर्थ है वो अलग अलग जो लिथोस्फेरिक पार्ट है उसके अलग अलग फ्रैगमेंट्स है जिसे हम प्लेट्स कहते हैं, और उसका कंटिन्यूस बेसिस में मूवमेंट हो रहा है। तो उसका जो प्लेट्स है, प्लेट के मूवमेंट की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होता है, तो वहाँ पे ये लेटेस्ट रिसर्च भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रोटीन आइडेंटिफाई की गई है फॉर बेटर प्रिसीजन इन जीनोम एडिटिंग। तो आपने क्रिस्पर CAS9 के बारे में जरूर सुना होगा, क्रिस्पर CAS9। तो ये आपका जीन एडिटिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। और अगर आप इस प्रोटीन की बात करें जिसे हम कहते हैं SPCAS9, तो ये प्रोटीन बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीन्स बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये डिराइव किया जाता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा जीन एडिटिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, हमारी सारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल की बनी होती है, कोई भी जो ह्यूमन है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर आपकी सेल की बनी होती है। सेल के विदिन
आपके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर आपका डीएनए, डीएनए के अंदर आपकी जीन होती है। आपका जितने भी ट्रेट्स हैं, बिहेवियर या फिजिकल ट्रेट्स, वो जीन पर डिपेंड करते हैं। तो जब हम जीन की बात करते हैं, जीन एडिटिंग की बात करते हैं, एडिटिंग का मतलब क्या है? जो रिक्वायर्ड जीन है उसको इंसर्ट करना, डिजायर्ड जीन है उसको इंसर्ट करना, और जो मान लो कोई जीन फंक्शन नहीं कर रही है उसको निकालना। जैसे आप एडिटिंग कैसे करते हो, एडिटिंग मान लो कुछ आप अपने स्लाइड में प्रिपेयर कर रहे हो, उसको एडिट कैसे करोगे? जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको हटाना और जो रिक्वायर्ड उसको ऐड करना, इसी को हम एडिटिंग करते हैं। जीन एडिटिंग में क्या होता है, सेम सी चीज़ें होती हैं कि जो डीएनए के जो सेगमेंट्स जिसे हम जीन कहते हैं, उन जीन्स को रिमूव करना जो मतलब काम नहीं कर रही सही से, और ऐसी जीन जो आपको डिजायर्ड हो उसको इंसर्ट करना। तो ये आपका जीन एडिटिंग के अंदर आता है। तो इसको कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे हम जो टूल यूज़ करते हैं, जिसे क्रिस्पर CS9 जो ये है, इसको हम यूज़ करते हैं। और ये क्या है कि जो डीएनए है उसको स्पेसिफिक एरिया में काटता है, और फिर उसके बाद काटने के बाद चीज़ें इंसर्ट भी की जाती हैं। तो पहले हम CS9 प्रोटीन का उपयोग करते थे, अभी जो हाईलाइट किया गया है कि इससे भी एफिशिएंट एक टूल है जिसका नाम रखा गया है आप यहाँ पे देख लो, दैट इज FNCAS9। ये ज़्यादा एफिशिएंट टूल है FNCAS9, और ये जिस बैक्टीरिया से मतलब आया है, निकाला जाता है, इसको कहते हैं फ्रेंकिसेला नोविसिडा, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं, है ना, फ्रेंकिसेला नोविसिडा। तो ये इस बैक्टीरिया के द्वारा इसको निकाला जाता है, और फिर इस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब आप डीएनए को स्पेसिफिक एरिया में कट कर सकते हो, फिर उस एरिया को जोड़ सकते हैं, चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया कि सिकल सेल एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या, जैसे इन जनरल अगर आप देखो तो RBC है, जैसे ये अगर आप देखो ये RBC है, RBC के अंदर आपकी हीमोग्लोबिन होती है, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन कोई पर्सन अगर इस एनीमिया को फेस कर रहा है, तो ये जो रेड ब्लड सेल है वो इस टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। ये पहले इस टाइप के हैं, अब ये जैसे ये क्रेसेंट मून है उस टाइप की आपका शेप हो जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये शेप की वजह से कई बार जो आपकी आर्टरीज हैं या जहाँ से भी ब्लड मूव करता है, तो उसको वो ब्लॉक कर सकते हैं, क्लॉक कर सकते हैं, इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और सिकल सेल एनीमिया के पीछे जो कॉज है उसको जेनेटिक कहा गया है। तो अगर कोई आप कह सकते हो कि ये डिसऑर्डर है, अगर मान लो कोई पर्सन है एबनॉर्मल जीन्स को इनहेरेंट कर रहा है अपने पेरेंट्स से, और उसको फिर सिकल सेल एनीमिया हो रही है, तो ये कहा गया कि अगर हम FNCAS9 प्रोटीन को यूज़ करेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसी बीमारियों को डील कर सकें, ऐसी बीमारियों को ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु नंदन, तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या पता कई बार पूछ लें क्योंकि काफ़ी फेमस है। तो ओनली इंडियन इन द लार्जेस्ट एवर आर्टिक एक्सपीडिशन, तो आर्टिक रीजन में जो एक्सपीडिशन है तो उसमें ये इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है विष्णु नंदन, ठीक है। तो ये आर्टिक रीजन, यू ऑल आर अवेयर, द नॉर्थ पोल को हम आर्टिक रीजन कहते हैं, साउथ पोल को एंटार्कटिक रीजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया स्टार्ट्स शेयरिंग मैरीटाइम डेटा। तो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन वॉज सेटअप लास्ट ईयर। तो एक पॉइंट हम समझते हैं, देखो ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडियन ओशियन रीजन है, दिस इज इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट रूट है, जैसे अगर आप देखो यहां पे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूस, यहां पे अगर आप देखोगे व्हाट वी कॉल इट एज बब अल मंदेब, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रूट है। यहां से इस तरीके से, यहां से ऑयल आपका ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे इस तरीके से मूव करता है। अब धीरे धीरे अगर आप इस एरिया में देखें जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पायरेट्स हैं, जैसे पायरेट्स ऑफ करेबियन आपने मूवी देखी होगी, तो वो वाले पायरेट्स नहीं, मतलब जो नॉर्मल वाले पायरेट्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। अब क्या है कि अगर कोई शिप मूव कर रही है तो ये पायरेट्स क्या करेंगे, वो शिप में जो लोग हैं उनको जो है किडनैप कर लेंगे, फिर मनी एक्सट्रॉक्शन करते हैं। तो इससे क्या है कि एक आप कह सकते हो कि एक जो ट्रेड है वो काफ़ी अफेक्ट होता है। अब अगर ट्रेड अफेक्ट होगा, इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट होगा, तो कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी इससे काफ़ी अफेक्ट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़ जैसे अगर इंडिया है तो इंडिया का लगभग 7517 किलोमीटर का आपका कोस्ट लाइन है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि
जितने भी आपके अलग अलग एरियाज़ में रडार लगे हुए हैं उनके बीच में एक जो भी एक एक सेंटर हो जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट हो, फिर आप चीज़ें कंक्लूड कर पाओ, ये भी ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अलग अलग जो एजेंसीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं, अलग अलग एजेंसीज़ यहाँ पे अफ्रीका की अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, जो इंडियन ओशन रीजन में अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इंडिया भी उससे तुरंत बात करे, तो इसके लिए भी आपको एक सेंटर चाहिए। तो ये जो आपका ये सेंटर है जिसे हम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन है जो कि गुरुग्राम में लोकेटेड है, इसका पर्पस क्या है कि ये लगभग मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है अबाउट 75,000 से 1.5 लाख शिपिंग वेसल्स जो वहाँ से मूव करती है, क्योंकि बहुत अधिक ट्रेड होता है तो मूवमेंट भी काफ़ी अधिक है, उसको वो एक प्रकार से उनको मॉनिटर और ट्रैक करना। दूसरा क्या है कि जो मैरिटाइम कम्युनिटी है और दूसरे जितने भी जैसे अलग अलग जो कंट्रीज़ है उनकी जो एजेंसीज़ है उनके साथ कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, जैसे आपकी मैरिटाइम ट्रैफिक सेंटर, मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रीजनल कोऑपरेशन एग्रीगेट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म रॉबरी, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर सिंगापुर। तो अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ डेटा को शेयर करना, कमर्शियल शिपिंग जैसे हमने डिस्कस किया उनको ट्रैक करना, उनसे इंफॉर्मेशन करना, और इसके लिए प्रयास भी किया जाता है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग कलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे जो पर्सनल काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये सब ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो ये हमारी जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ रोड टू इकोनॉमिक रिवाइवल रन्स थ्रू एग्रीकल्चर। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इकोनॉमी की बात करो तो जीएस पेपर 3 में है, एग्रीकल्चर की बात करो वो भी आपके जीएस पेपर 3 में, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों को आप लिंक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे उसको कोशिश की गई है, कई चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं बट हम इसको ओवरऑल चीज़ों को कंसिडर करके समझेंगे क्योंकि फाइनली हमको वो टॉपिक को समझना है। देखो इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी तो हमारी जो इकोनॉमी है इस समय स्लो डाउन फेस कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखो तो अलग अलग आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इन जनरल अगर आप थोड़ा सा देखें तो डेटा वेरी करता है बट नियर अबाउट 50% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन अगर इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देखें वो इतना नहीं है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का। बट क्या इसकी जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कंसीडर करो, मेघालय रीजन की बात करते हैं। मेघालय रीजन में एक फेमस चीज़ है जिसे हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं, फेमस मतलब आपने भी ट्राई किया होगा स्ट्रॉबेरी, तो बहुत अधिक मतलब गवर्नमेंट ने वहाँ की स्टेप लिया और मेघालय रीजन में स्ट्रॉबेरी ग्रो होने लग गई। अब मेघालय रीजन में जब से स्ट्रॉबेरी ग्रो होने लग गई तो वहाँ के फार्मर्स को काफ़ी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिल गया और वो उसको ग्रो करने लग गए। इसी प्रकार दूसरे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जैसे हमने बैम्बू को देखा, वो भी वहाँ पे एक बड़ा सोर्स है इनकम का, तो उसको भी ग्रो किया जा सकता है। दूसरे भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप कोई बड़ी आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हॉर्टिकल्चर या दूसरी जो क्रॉप्स हैं अगर आप उनको ग्रो करना शुरू करते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं उनको सोर्स ऑफ लाइवलीहुड तो मिलेगी, साथ में इंडियन जीडीपी में भी चीज़ें ऐड होंगी, तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो भी आपका इंक्रीज होगा। दूसरा एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर रीजन का लेते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर रीजन का भी जो टोपोग्राफी है वो ऐसी नहीं है कि आप वहाँ बड़ी इंडस्ट्री सेट करो। अभी जैसे सैफरन को GI टैग दिया गया या फिर दूसरे एप्पल है और दूसरे जो क्रॉप्स हैं जिनकी बहुत ह्यूज डिमांड रहती है, अगर उन्हीं क्रॉप्स को लगातार ग्रो किया जाता है, साइंटिफिक एडवाइस जो मतलब जो है साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, प्रॉपर सप्लाई चेन है वो मेंटेन्ड है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सही है, सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, तो क्या होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा, वहां पे वुल की भी काफी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे छत्तीसगढ़ रीजन में और ब्रह्मपुत्र के कुछ इलाकों में अगर आप देखो तो सिल्क को काफी ग्रो किया जा सकता है, तो वहां पे भी ट्राइबल एरिया में सिल्क जो है सिल्क से रिलेटेड लोगों को काफी एक्सपर्टीज है ग्रो भी करने में और उससे रिलेटेड जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं उससे भी रिलेटेड उनका काफी एक्सपर्टीज है। तो ये हमें समझना है कि अगर जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल है इंडिया का अगर हम उसको यूज़ करना शुरू करें तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम ऐसे इकोनॉमिक स्लोडाउन को मीट कर सके? क्योंकि अगर कुछ छोटे इलाके जैसे पंजाब है, हरियाणा है, कुछ ऐसे इलाकों पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो डिसाइड करता है कि एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया के GDP में। अगर हम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी हम चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भी सिल्क का भी हम छत्तीसगढ़ और दूसरे इलाकों में कर रहे हैं, तो ट्राइबल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और एलाइड एक्टिविटीज़ फिशिंग पोटेंशियल भी हम यूज़ कर रहे हैं, मैराइन फिशरीज, इनलैंड फिशरीज, इन सारे आस्पेक्ट पर अगर हम फोकस कर रहे हैं तो क्या जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बढ़ नहीं सकता? क्या इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ऐसे इकोनॉमिक स्लो डाउन को रिवर्स नहीं कर सकता? क्या जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज हो और जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो फर्दर इंक्रीज हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी, बट ये सब बातें इस आर्टिकल में नहीं लिखा, लेकिन हमें थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने यही सब बातें थोड़ा सा कम शब्दों में कहने की कोशिश की है कि अगर आप देखो कि रियल एग्रीकल्चर एंड एलाइड ग्रॉस वैल्यू एडेड सिर्फ 2.9% से ग्रो किया है 2011-12 से 2017-18 में, लेकिन एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 की बात करो तो उसमें टारगेट रखा गया है 4% का। और अगर आप एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस की बात करो, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो काफ़ी अफेक्ट होता है। एक तो जैसे मॉनसून है, आपका मॉनसून कभी आता है कभी नहीं आता, मतलब हमें इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, जो रेनफॉल है वो भी उससे अफेक्ट होता है ना, जो रेनफॉल है, अगर रेनफॉल नहीं हो रही है या जिस समय नहीं होनी चाहिए उस समय हो रही है, जैसे जिसे हम मॉनसून भी कह रहे हैं, तो उससे भी आपका एग्रीकल्चर का जो एफिशिएंसी है और जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगा। कई सारे जो नेचुरल इवेंट्स हैं, चाहे फ्लड का है, सुनामी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, सूखे की स्थिति है, ये सारी चीज़ें भी एग्रीकल्चर को आपके अफेक्ट कर रही हैं। और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स जैसे फ्यूल है, फ्यूल की अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ का प्राइस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिकली एग्रीकल्चर के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं। जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश करना चाहिए वो थोड़ा सा लैक करेगा। जैसे अगर आप बात करें, जैसे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अगर आप इमेजिन करो एक जो पोटैटो है, वो पोटैटो एक जो पोटैटो वो तो आपको ऐसे ही मतलब किसी से कहोगे कि एक पोटैटो दे दो तो वो कोई भी आपको दे देगा कि हाँ ये ले लो कोई बात नहीं, लेकिन आप कहोगे कि एक चिप्स का पैकेट दे दो तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वही पोटैटो जब चिप्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है, तो उससे प्राइस आपका पर्सन को भी मिल रहा है। तो यहाँ क्या है कि जब फूड प्रोसेसिंग बीच में एंटर हो जाएगी कि जो एग्रीकल्चर की कमोडिटीज़ है उसको दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम उस पर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि एक तो जो फार्मर है वो इनकम इंक्रीज, उसकी इनकम इंक्रीज होगी, दूसरा ये है कि आप ये कह सकते हो कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी आपका इंक्रीज हो सकता है। तो इसके लिए बहुत बेटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की बहुत ज़रूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है लगातार, मतलब आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती जा रही, तो इससे हमारे जो आप कह सकते हो कि पॉवर्टी लेवल है और जो हंगर आस्पेक्ट है ये भी अफेक्ट होगा। मतलब अगर आप फूड सिक्योरिटी देखो, फूड सिक्योरिटी में तीन चीज़ें होती है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, तीन ए इंक्लूड होते हैं फूड सिक्योरिटी के अंदर। और इस तीन एस की अगर आप बात करें तो अगर क्रॉप का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी, और इससे जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें हम पॉवर्टी को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हंगर को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गोल्स भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें भी इसमें थोड़ी बहुत लिखी हुई हैं। दूसरा, अगर जो फार्म इनकम की बात करें तो जिसका हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर की इनकम को डबल करना है या फिर फार्म टू नॉन फार्म इनकम को 7:30 करना बाय 2022 से 2023, तो ये सब तभी हो पाएगा जब हम एग्रीकल्चर को सिर्फ कल्चर न लें, है ना, आप उसको एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में ट्रीट करना शुरू करो, एज अ बिजनेस मॉडल के रूप में उसको ट्रीट करना शुरू करो, है ना। अभी हमें हमारे देश में एग्रीकल्चर सिर्फ एक कल्चर के रूप में लिया जाता है, इसलिए जो एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस है वो देश में काफ़ी अफेक्ट होता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज आपका करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और दूसरे भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्रॉप प्रॉपर रीजनल क्रॉप प्लानिंग, कहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो हो सकती है वो ध्यान रखना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, अलग अलग इंडिया में अराउंड 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो उसके बेसिस पे आप वहाँ क्रॉप को ग्रो कर सकता है, हर जगह पे आप हर क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते हो, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव करना है, तभी हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में एक बेटर रोल प्ले कर सकता है, और आप कह सकते हो कि एक बेटर रोल के साथ जो इंडियन इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने में मदद कर सकता है और एक सिंगल सोल्जर की तरह खड़ा होकर इंडियन इकोनॉमी को भी बचा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिटिसिज्म इज नॉट सेडिशन। अब यहां पे
बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है अजीत प्रकाश शाह, एपी शाह शॉर्ट में हम कहते हैं, हाईली रिनाउंड पर्सन है। तो इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, बट हमारे काम का जो सिर्फ यूपीएससी सिलेबस में है वो सेडिशन क्या है और सेक्शन 124A और जो डिफरेंट आपके केसेस हैं उनको थोड़ा सा देखना है। अब देखो सेडिशन जैसे कई बार ये डिस्कशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो केस इन्होंने हाईलाइट किया है, उन्होंने कहा है कि बिहार की जो कोर्ट है उन्होंने FIR दर्ज कराया है 49 ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई लेटर लिखा और उसमें उनको बोला गया कि वो इस मॉब लिंचिंग और इस सब में एक प्रकार से उन्हें और प्रोएक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए, ऐसा कुछ केस है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना क्या है, देखो सेडिशन, राजद्रोह या कई बार देशद्रोह जो भी हम कहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप सेडिशन की बात करें तो सेडिशन को हम सिर्फ ये कह दें कि जो क्रिटिसिज्म है सेडिशन, अगर किसी चीज़ को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसे सेडिशन नहीं काउंट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी में अगर किसी ओपिनियन से आप एग्री करते हो तो भी अच्छी बात है, किसी ओपिनियन से डिसएग्री करते हो तो भी अच्छी बात है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इज़ अ बेसिक थिंग फॉर द डेमोक्रेसी। ओपिनियन का डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। लेकिन यहाँ पे ये अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में बात करें तो ये चीज़ आपको ठीक लगती है, लेकिन एक दूसरा ओपिनियन भी है। दूसरी बात क्या है कि जो पर्सन है जो क्रिटिसाइज कर रहा है किसी भी चीज़ को, क्या वो पर्सन किसी एजेंडा के तहत वो किया जा रहा है या फिर किस कंटेक्स्ट में लेके चीज़ों को कह रहा है ना, वो भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप जैसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, इनके ऊपर भी सेडिशन लगाया गया। तो देखो हर पर्सन जिसको हम सेडिशन की बात कर रहे हैं, हर पर्सन जिसको हम सेडिशन से कंपेयर कर रहे हैं कि जो पर्सन है वो जो भी, मतलब मान लो कि सरकार ने किसी पर सेडिशन लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक से आप कंपेयर करो, है ना। जरूर देखो उस समय अगर आप देखते हैं तो जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था या फिर जो कल्चरल कंटेक्स्ट और जो सिचुएशन थी वो डिफरेंट थी, इस समय जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन पर जो सेडिशन चार्जेस लगे हैं ही इज इक्वलेंट टू महात्मा गांधी, क्योंकि उस पर सेम लॉ को अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे इस बात पर भी हमें डिबेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो बेसिस है डेमोक्रेसी का कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको बेसिस नहीं लेना चाहिए, उसको बेसिस नहीं लेना चाहिए सेडिशन के लिए, ये चीज़ें। तो मतलब कहने का ये है कि आपको दोनों चीज़ों पर बैलेंस मेंटेन करना, पहला कि अगर सेडिशन कोई इंटेंशनली करता है तो जरूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आईपी जो है इंटर पिनल कोड आईपीसी के अंडर आपके पास लॉ है तो जरूर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस लॉ का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हम सिर्फ अपने आप को एक तरफ ना सोचें, दोनों तरफ को लेकर जो है हमें एक्शन लेना पड़ेगा, दोनों तरफ की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर नहीं ज़रूरत है तो आप फिर संविधान से आईपीसी से इस लॉ को भी फिर जल्द से जल्द हटाना चाहिए, या फिर आप कुछ उसमें अमेंडमेंट ला के, और ये ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो गलत अगर इस्तेमाल होता है तो अगेन डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो अगर आप देखते हैं तो सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 है ना, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप डेफिनेशन देखें सेडिशन की, हूएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया शैल बी पनिश्ड। तो यहाँ पे जो ध्यान क्या रखना है कि इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है जो कि काफ़ी सब्जेक्टिव है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है ना। अभी फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल जब भी कोई इलेक्शन होता है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग स्पीचेस देते हैं और अलग अलग दूसरे जो पावर में हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके खिलाफ अलग अलग बातें बोलते हैं, तो क्या हम उसको सेडिशन कहना शुरू कर दें? तो वो हम नहीं कर सकते हैं। बट एक हम कह सकते हैं कि उस समय एक डिग्निटी मेंटेन करना जरूरी है। तो यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया जो संविधान के तहत आप कह सकते हो या लॉ के तहत जो सरकार बनाई गई है, क्या आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो? ज़रूर क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, बट अगर आपका ओपिनियन या जो थॉट प्रोसेस है
तो वो हेट्रेड कंटेम्प्ट या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ, तब आपके ऊपर सेडिशन चार्जेस लग सकते हैं। बट ये बहुत ही सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, मतलब आप कैसे, किस बेसिस पर कहोगे, कोई पर्सन उसका बोलने का कंटेक्स्ट अलग होगा, आपका जो रखने का कंटेक्स्ट है वो अलग है, तो ये डिसीजन कौन लेगा कि ये हेट्रेड है या कंटेम्प्ट को मतलब चीज़ें एक्साइट किया जा रहा है या फिर सरकार के खिलाफ ये सिर्फ क्रिटिसिज्म है, नॉर्मल क्रिटिसिज्म है, तो उस पर्सन के इंटेंशन को कौन डिसाइड करेगा। यहाँ पर हर चीज़ इंटेंशन पर डिपेंड करती है, क्या वो सच में हेट्रेड है और ये क्रिएट करना चाह रहा है या फिर सच में वो क्रिटिसाइज कर रहा है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों के बीच का जो गैप है उस गैप को कौन समझेगा और उसको कौन डिसाइड करेगा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर कोई सेडिशन में वो होता है तो इंप्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ टू विच फाइन में बी एडेड, इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years टू विच फाइन में बी एडेड और जस्ट अ फाइन, तो ये कोई भी लगाया जा सकता है। अब कुछ केसेस आप देख लो, 1962 का जो केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, तो सेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे हैं तो केसेस आपको पता होना चाहिए। तो केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अ सिटीजन हैज अ राइट टू से और राइट व्हाट एवर ही लाइक्स अबाउट द गवर्नमेंट और इट्स मेजर बाय वे ऑफ क्रिटिसिज्म और कमेंट सो लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ है, आपकी आपकी आइडियोलॉजी अलग है तो आप ये कहना शुरू कर दो कि विद्रोह कर दो सरकार के खिलाफ, जिससे कि पूरी की पूरी जो सामाजिक जो ढांचा है, सोशल स्ट्रक्चर है वो टूटे और एक के खिलाफ दूसरे को करो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म अलग है, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, क्रिटिसिज्म अलग है बट उस क्रिटिसिज्म के पीछे इंटेंशन क्या है वो भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें कि अगर कोई नॉर्मल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, है ना, तो जैसे अगर आप द हिंदू एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म बहुत आपको मिलता है और इससे क्या, क्रिटिसिज्म से इंप्रूवमेंट की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। बट ये चीज़ें हाईलाइट भी की गई हैं कि क्रिटिसिज्म अलाउड है केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में और उसको सेडिशन के इक्विवेलेंट नहीं रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप केस देखो 1982 का पी अलवी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि कोई स्लोगन रेस कर रहा है और क्रिटिसाइजिंग ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशियल सेटअप डिड नॉट अमाउंट टू सेडिशन। अभी कोई मान लो कोई स्लोगन रेस कर रहा है, कोई पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई जुडिशियरी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये बेसिकली आपका बेसिकली ये सेडिशन के इक्विवेलेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो बट अगेन जो हमें पॉइंट समझना है कि क्या वो जो क्रिटिसिज्म है उसके पीछे इंटेंशन क्या है। दूसरा, जो ये इंस्टीट्यूशंस है, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो पब्लिक का ट्रस्ट है इन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, इन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो टूटना नहीं चाहिए। पर्सन के ऊपर जरूर आप उसको क्रिटिसाइज करो, कुछ चीज़ें अलग हो जाती है, बट अगर पब्लिक का ट्रस्ट इन पर टूट जाएगा, मतलब पब्लिक पार्लियामेंट पर बिलीव करना छोड़ देंगे, जुडिशरी पर उनको लगेगा कि क्या हो रहा है और फिर आपका एग्जीक्यूटिव पर भी उनको नहीं ट्रस्ट है, तो जो डेमोक्रेसी है फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो वो गैप मेंटेन करना जरूरी है कि जो पब्लिक का ट्रस्ट जो है ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, इसलिए फोकस होना चाहिए टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आप कोई चीज़ क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप उसके सॉल्यूशंस भी दो कि ये गलत है, सरकार इसको ऐसे कर रही है गलत है, तो इसका ये कदम उठाया जा सकता है, तो ऐसा थोड़ा सा किया जाएगा अगर आप सच में जैसे चीज़ें इंप्रूव कराना चाह रहे हैं। 1995 में भी बलवंत सिंह एंड ANR वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, तो यहाँ भी कहा गया कि रेजिंग सम स्लोगन खालिस्तान जिंदाबाद अ कपल ऑफ टाइम्स विच नाइदर इवोक्ड एनी रेस्पॉन्स और एनी रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक कैन नॉट अट्रैक्ट सच पनिशमेंट। अभी मान लो आप अपने रूम के अंदर ही कहीं खड़े होके अब है ना कि हमें आज़ादी चाहिए ऐसा कुछ जो है स्लोगन दे रहे हो, अभी कोई सुन ही नहीं रहा है, तो अगर मान लो कोई साइड में खड़ा हुआ आपके पड़ोसी ने सुन लिया, कोर्ट में चला गया कि देखो वो 4 बजे जो है वो ये ऐसा स्लोगन जो है वो कर रहा था, तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोर्ट या फिर पुलिस आपके पास आ जाएगा और अरेस्ट कर लेगा, है ना। हो सकता है कि आप मूवी की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई अपना डायलॉग डिस्कस कर रहे हो, अलग चीज़ है। मतलब कहने का ये मतलब है कि वो समझना ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आप मान लो कोई स्लोगन दे बोल भी रहे हो और हो सकता है कि इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, बट अगर वो पब्लिक को ऐसे गैदर करके और सरकार के खिलाफ ऐसा कोई वायलेंट एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहा, तो फिर वहाँ पे सेडिशन नहीं लगेगा। लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है ना,
तो अगर इस चीज़ को अगर कंट्रोल नहीं करना, मतलब अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि कुछ कदम उठाए जा सके, बट उस पर सेडिशन नहीं लगाया जा सकता। ये भी कुछ पॉइंट्स थे। तो या इन केसेस को आप थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन आता है तो इन केसेस को आप जरूर से कोट आपको करना है, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही। तो इस सेशन के अंदर हमने 6th और 7th अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर किया, द हिंदू एनालिसिस को। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और ये कोर्स जरूर से आपको ज्वाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको मिस मत करो। और जितना आप डिले करते चले जाओगे तो हो सकता है कि फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस करें। ऑलरेडी हमने 150 प्लस टॉपिक्स कर लिए हैं, और स्टूडेंट्स क्लास में ही नोट्स बनाते हैं, तो इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको जो है बार मतलब कुछ चीज़ें आपको अलग से करनी है, सारी चीज़ें कवर्ड है क्लास में, नोट्स ही प्रिपेयर होते हैं, पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन करो, 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स इसमें कवर किया जाएगा। द हिंदू के अलावा पीआईबी है, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ मैगजीन, ज्योग्राफी फॉर यू, इंटरनेशनल जर्नल्स में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो सब चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो इससे रिलेटेड डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको इस रेफरल कोड को यूज़ करना है, SP, ठीक है, इस रेफरल कोड को यूज़ करना है, दैट इज SP। और जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे SP, द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10% जो आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि कोर्स ऑलरेडी आपका चलेगा 30th अप्रैल 2020 तक, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो, और इसमें आप मेरे कोर्स के अलावा सारे जितने भी कोर्सेज हैं अनअकैडमी प्लस में आते हैं उन सभी को आप लाइव देख सकते हैं, और अपनी UPSC की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अनअकैडमी स्टूडियो राइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।